शाम ढलने वाली है। ऋषभ और उसके दोस्त पास ही के खुले मैदान में बैठे हुए हैं। ठंडी के दिन है, इसीलिए सभी दोस्त आग जलाकर बातें कर रहे हैं। ऋषभ, मौसम काफी डरावना है, आज तो वो तुम्हारा किस्सा सुना दो। अपने दोस्त की फरमाइश सुनते ही ऋषभ के शरीर में एक सिहरन सी जाग उठी। नहीं नहीं यार, देखो मौसम बिगड़ रहा है और ऐसे में उस घटना को याद करना अच्छा नहीं है, फिर कभी बताऊंगा। अरे ऋषभ, ठंड में ऐसे भूतिया किस्से सुनने का मजा ही कुछ और है। और सच बताऊं, सच में बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि तुम्हारी वो कहानी सुनूं। हाँ हाँ ऋषभ, प्लीज बताओ क्या हुआ था। ठीक है, लेकिन डरोगे तो नहीं? नहीं नहीं। वो बारिश के दिन थे, हम तीन दोस्त अनिमेश, अमर और मैं छुट्टियों का लुफ्त उठाने जंगल की ओर निकले थे। भाई सारा सामान पैक कर लिए, कैंपिंग के लिए टेंट्स हैं, कुछ सूखी लकड़ियां ले लिए जलाने के लिए और बहुत सारा खाना भी। तू वो तो नहीं भूला? अरे वो कैसे भूल सकते हैं। क्या हुआ ऋषभ, इतना खामोश क्यों? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही अंदर से अजीब सा लग रहा है, मानो कुछ गड़बड़ होने वाली है। हमारे साथ ये है तो कैसी गड़बड़। सही कहा। थोड़ी देर के बाद जीप घाट के रास्ते आगे बढ़कर जंगल के पास पहुंची। आगे मत जाओ बेटा, आगे खतरा है। कौन सा खतरा बाबा, जानवरों से हम नहीं डरते, यूं ही हमारा रास्ता मत रोको। और वैसे भी खतरा कहाँ नहीं होता। विनाश काले विपरीत बुद्धि। चलो ऋषभ, आ जाते हैं कहीं कहीं से। अमर बूढ़े बाबा का कहना हमने टालना नहीं चाहिए। ओहो ऋषभ, तुम भी ना, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, हवाएं जानवर, अरे हम निकल आएंगे जीप से, डरो मत। थोड़ी देर बाद वो तीनों खुले मैदान में पहुंचे। उन्होंने कैंप के लिए जगह ढूंढी और कैंप लगा लिया। तीनों बड़े मजे से पार्टी कर रहे थे, तभी अचानक वातावरण बदलने लगा। तेज ठंडी हवाएं चलने लगी, जिसकी वजह से उनकी लगाई हुई आग भी बुझ गई। धीरे धीरे बारिश बढ़ने लगी, हवा इतनी जोर से बहने लगी कि जिसकी वजह से उनके बनाए टेंट्स भी हवा में उड़ गए। तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तीनों जीप में जाकर बैठे। बारिश की वजह से तीनों भीग चुके थे। इतनी तूफानी बारिश मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखी। हमें कहीं ना कहीं तो रुकने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी, इतनी तेज बारिश से बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। हाँ, और रात भी बहुत हो गई है, चलो कहीं रुकने का इंतजाम करते हैं। दोस्तों वो देखो, वहां एक झोपड़ी दिखाई दे रही है, शायद वहां आज रुक सकते हैं। ऋषभ ने जीप झोपड़ी की ओर मोड़ी। अंधेरा चीरते हुए वो तीनों झोपड़ी के पास पहुंचे। चलो वहां अंदर पूछते हैं। तीनों झोपड़ी के सामने खड़े थे। हेलो, कोई है यहां? कुछ देर कोई आवाज सुनाई नहीं थी, चारों ओर बस बारिश और तेज बह रही हवाओं की सरसराहट भरी आवाज सुनाई दे रही थी। ऋषभ डर से अमर की ओर देखने लगा। भाई कुछ तो गड़बड़ है, ये दरवाजा अपने आप कैसे खुला है?
तभी अचानक एक औरत सामने आई, दिखने में काफी सुंदर, त्वचा इतनी गोरी कि मानो अंधेरे में चमक रही हो। अपने नाजुक अंदाज में उसने पूछा, कौन हो आप? तीनों दोस्त उस औरत को देख हड़बड़ा गए थे। बाहर बहुत बारिश चल रही है और यहाँ आसपास रुकने का कोई ठिकाना नहीं है। तभी आपकी झोपड़ी दिखाई थी, सोचा कि यहाँ मदद मिल सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कहीं और चले जाते हैं। रुको, आप यहाँ रुक सकते हैं। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। निर्णय लेना काफी कठिन था, लेकिन अकेली औरत और बिन बुलाए तीन लोग, घर में और कोई है या नहीं ये जानने के लिए अमर बोला, आपके घर में कोई है? आपके पिता, भाई या आपके पति? मेरी अभी शादी नहीं हुई, और रही बाकी लोगों की बात, वो अभी आते ही होंगे, तब तक आप यहाँ रुक सकते हो। वैसे भी मेरे पापा कहते हैं जंगल में भटके लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए मतलब? मदद करनी चाहिए, उन्हें अकेला महसूस ना हो। हाँ तो फिर ठीक है, चलो हम बारिश खत्म होने तक यहीं रुक जाते हैं। जरूर, हमें खुशी होगी, आइए अंदर आइए। अमर और अनिमेश तो बिना देरी किए झोपड़ी के अंदर चले गए। ऋषभ को बाहर से दिखाई दिया कि अंदर काफी अंधेरा है, बस एक लालटेन जल रहा है। लेकिन जैसे ही ऋषभ ने झोपड़ी के अंदर कदम रखा, वो अंदर का माहौल देखकर दंग रह गया। कमरा काफी साफ सुथरा था। उस औरत ने लालटेन और तेज कर दिया, जिसकी वजह से कमरा अब साफ साफ दिखाई दे रहा था। भाइयों, ये तो काफी अच्छी जगह मिल गई हमें। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। ऐसा कहकर वो औरत दूसरे कमरे में चली गई। कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे, अजीब सी घुटन सी महसूस हो रही है। जंगल में इतने दूर एक अकेली झोपड़ी में इतनी सुंदर औरत, और इत्तेफाक की बात है वो अकेली है। हमें निकलना चाहिए दोस्तों, ये जगह ठीक नहीं है। अरे यार, तुझे तो चांद में भी दाग खोजने की आदत है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं तो हमें क्या। अंदर के कमरे से एक अजीब आवाज आई, जैसे कुछ काटा गया हो। ये आवाज, शायद वो औरत कुछ काट रही है, लेकिन ऐसे मानो कोई बड़े से छुरे से वो कुछ काट रही है। अनिमेश के आंखों में भी अब डर साफ झलक रहा था। ये लीजिए, भूख लगी होगी ना? और उन तीनों के हाथ में खाने की प्लेट थमा दी। तीनों आश्चर्य से हैरान थे, क्योंकि उनके मन पसंद के व्यंजन उस औरत ने बनाए थे। ये तो मेरे फेवरेट पकोड़े हैं, और मेरे मनपसंद छोले भटूरे, आहा। ऋषभ तो दंग था, क्योंकि उसके मनपसंद दही भल्ले उस औरत ने बस 5 मिनट में बना दिए थे। ये कैसे हो सकता है? इसको कैसे पता कि हमें क्या चाहिए? मैं पानी लाती हूँ। दोस्तों, ये कुछ अजीब नहीं है, हमारी पसंदीदा चीजें हैं, इसे कैसे पता और इतनी जल्दी इसने कैसे बना दी? ऋषभ कुछ आगे बोलता तब तक अमर और अनिमेश ने खाना शुरू कर दिया था। आहा, क्या टेस्ट है, बिल्कुल मेरे मनपसंद होटल जैसी। बिल्कुल सही कहा, दोनों खाने में मगन थे। तभी ऋषभ ने कहा, दोस्तों मैं जरा बाहर होकर आता हूं। ऐसा कहकर ऋषभ बाहर चला गया। बाहर तेज बारिश चल रही थी। पासी के एक पेड़ के नीचे ऋषभ पेशाब करने लगा।
उसे आसपास की झोपड़ियों में किसी चीज की सरसराहट सुनाई दी। वो काफी डर गया। क्या हो सकता है, कोई जानवर या फिर? और उसी वक्त एक छोटा सा लड़का ऋषभ के सामने आया। अंधेरे में उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन एक गुर्राहट सुनाई दे रही थी। तभी आसमान में बिजली चमकी और ऋषभ को वो लड़का साफ साफ दिखाई दिया। उसका भयानक रूप देख ऋषभ के पसीने छूट गए। वो जोर से चिल्लाया, वो पीछे हटने लगा। वो किसी चीज से टकरा कर नीचे गिरा। वो चीज कोई और नहीं बल्कि एक बड़ा सा शैतानी इंसान था। वो इंसान ऋषभ को ही देख रहा था। उसका घिनौना चेहरा देखकर ऋषभ के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ऋषभ वहां से भागते हुए झोपड़ी में पहुंचा। अंदर जाते ही उसने देखा कि कमरा पूरा बदल चुका है। जहां साफ सुथरा था, अब वहां गंदगी है और किसी सड़ चुकी चीज की बदबू आ रही है। और उसके दोस्त अमर और अनिमेश खाना खाने में दंग थे। अब प्लेट में पकवान नहीं बल्कि मरे हुए कीड़े मकोड़े और मेंढक थे, और दोनों ही उन्हें बड़े चाव से खा रहे थे। एक मिनट, ये क्या है? अरे तुम ये क्या खा रहे हो? अरे फेंको उसे, पागल हो क्या? इतना बेहतरीन खाना फेंक दे। चलो तुम्हारी प्लेट उठाओ या फिर मैं खा लूं। ऋषभ का ध्यान उस प्लेट पर गया जहां कुछ देर पहले लजीज दही भल्ले थे, लेकिन अब तो ऋषभ को प्लेट में रेंगते हुए कीड़े दिखाई दिए। ये एक चाल है, हम लोगों को फंसाया जा रहा है। तुम लोग नहीं समझ रहे हो। ये क्या? लेकिन अब अमर और अनिमेश को होश आ जाता है और दोनों प्लेट देख उल्टी कर देते हैं। तभी अचानक अंदर के कमरे से कुछ अजीब आवाज सुनाई दी, मानो कोई हंस रहा हो। तीनों डरते हुए अंदर के कमरे में झांकते हैं। सामने का दृश्य देखकर उन्हें चक्कर आने लगते हैं। अंदर जमीन पर एक चूल्हा है जिस पर एक बहुत बड़ी कढ़ाई रखी हुई थी और वो औरत उसमें कुछ बना रही थी। कमरे में कंकाल और इंसानी हड्डियां और तांत्रिक साधनाओं की अजीब सी चीजें मौजूद थी। ओहो, अफसोस, सम्मोहन टूट गया। वरना आज तुम तीनों का गर्म खून पीने के लिए मेरे पिता और भाई बाहर कब से राह देख रहे हैं। कोई बात नहीं, सम्मोहन नहीं तो होश में सही तीनों का शिकार तो होगा ना। उस औरत का जिस्म बदलने लगा, वो बूढ़ी होने लगी। उसका गोरा रंग बदल कर काला होने लगा। चेहरे पर बुढ़ापे की झलक दिखाती झुर्रियां उसको और ज्यादा भयानक दिखा रही थी। ऋषभ, उसके पैर उल्टे, यानी वो चुड़ैल है, उल्टे पैरों वाली चुड़ैल। तीनों आगे कुछ सोचते उससे पहले वो चुड़ैल तेजी से उनके तरफ आगे बढ़ी। तीनों घबराकर झोपड़ी के बाहर आ गए और जल्दी से जीप में बैठ कर ऋषभ जीप शुरू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जीप शुरू होने का नाम नहीं ले रही थी। शायद किसी ने जीप को पीछे से पकड़ रखा था। हाँ, वो वही शैतान था जो ऋषभ को झाड़ियों में दिखाई दिया था। शायद वो चुड़ैल का पिता था और चुड़ैल का छोटा भाई जीप के रूफ पर पागलों की तरह कूद रहा था। कुछ करो ऋषभ, इस तरह तो हम यहाँ से कभी निकल नहीं पाएंगे। ऋषभ ने चालाकी दिखाई और जीप को तेज गति से रिवर्स धक्के के कारण नीचे गिर गया और
रूफ पे कूद रहा वो बच्चा भी नीचे गिरा। अब ऋषभ बिना कुछ सोचे जीप को भगा रहा। धुआंधार बारिश में उनकी जीप जहां रास्ता दिखे वहां तेजी से जा रही थी। अमर को जीप के साइड मीटर में कुछ दिखाई दिया। ऋषभ देखो, वो देखो, वो चुड़ैल अपने पीछे आ रही है। ऋषभ को दिखाई दिया कि वो चुड़ैल अब उल्टे पैरों से भागते हुए उनके जीप का पीछा कर रही थी। वो काफी डरावना दृश्य था। चुड़ैल की गति इतनी तेज थी कि थोड़ी देर में वो जीप के साथ साथ दौड़ने लगी। दोस्त, शायद ये हमारा आखिरी सफर है। हम नहीं बच पाएंगे। मुझे भी वही लगता है। नहीं, हमें कुछ नहीं होगा। अमर, तुमने जीप के ड्राइवर में हनुमान जी की तस्वीर दिखाई थी, याद है? उसे बाहर निकालो। अमर ने जल्दी से हनुमान जी की तस्वीर बाहर निकाली और साइड में भाग रही चुड़ैल को दिखाई। साथ ही में ऋषभ ने साउंड सिस्टम पर हनुमान चालीसा भी लगा दी। जैसे ही चुड़ैल की नजर हनुमान जी की तस्वीर पर पड़ी, उसकी आंखें जलने लगी। वो जंगल में भाग गया। कुछ देर के बाद जीप जंगल से निकलकर शहर के रास्ते चलने लगी। तो भाई, ये थी मेरी कहानी। ऋषभ, तुम तो काफी हिम्मत वाले इंसान हो यार। मैं तुम्हारे साहस की सराहना करता हूं। हम केवल भगवान की वजह से बच पाए थे। मुश्किल घड़ी में वो हमेशा हमारे साथ होते हैं।